तो सदन में आज भी विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा में भावुक हुए चेयरमैन वेंकैया नायडू, विपक्ष के हंगामे पर जताया दुख। राज्यसभा में भावुक हुए चेयरमैन वेंकैया नायडू, विपक्ष के हंगामे पर जताया दुख। बड़ी खबर, वहीं नायडू ने कहा कि सदन की मर्यादा भूला विपक्ष। लगातार लोकसभा और राज्यसभा विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हो रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। जी राजा, बात करूं, पिछला दिन था जब सदन की कार्यवाही जो सही से चली, लेकिन आज फिर नायडू ने, वेंकैया नायडू ने जिस तरीके से कहा और भावुक हुए, वो क्या जानकारी है पूरी? तो राज्यसभा में भावुक हुए चेयरमैन वेंकैया नायडू, विपक्ष के हंगामे पर जताया दुख। लगातार लोकसभा और राज्यसभा 19 जुलाई से अब तक हंगामे की भेंट चढ़ रही थी, स्थगित होती आ रही थी। और पिछले कल की बात करें तो पिछले कल ही ओबीसी आरक्षण को लेकर संशोधन बिल पास किया, तब विपक्ष ने अपनी सहमति जताई और कड़े तेवर दिखाए थे, लेकिन आज फिर विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा में भावुक हुए चेयरमैन वेंकैया नायडू, कहा विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने दुख जताया है और कहा कि विपक्ष सदन में अपनी मर्यादा भूला है, जिस तरीके से उसने मॉनसून सत्र में किया है लगातार।